नमस्कार दोस्तों, मैं कमल ग्लोबल कंपटीशन क्लासेस जयपुर। दोस्तों, जिला संभाग में आज चर्चा करते हैं बीकानेर संभाग के अगले जिला श्री गंगानगर जिले की। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। वीडियो दास्तान जी की ट्रिकी वीडियो देखने के लिए वे सुपर ट्रिकी रीजनिंग देखने के लिए आगे शेयर करें, दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। देखिए दोस्तों, श्री गंगानगर की बात करते हैं। श्री गंगा नगर जिला श्री गंगानगर जिला राजस्थान का उत्तरी जिला, जहां पर सूर्य की राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें इसी जिले में पड़ती है। राजस्थान में सूर्य उदय सबसे लेट यहां होता है, तो अस्त भी सबसे लेट यही होता है। राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसको राजस्थान का अन्न का कटोरा कहा जाता है, तो उसी के साथ राजस्थान का पंजाब भी इस जिले को कहते हैं। राजस्थान का एक ऐसा जिला जिसमें राजस्थान में सर्वप्रथम नहर बनाई गई, गंग नहर, महाराजा गंगा सिंह द्वारा 1910 में। दोस्तों, बात करते हैं अब गंगानगर जिले की। देखिए, गंगानगर जिले का प्राचीन नाम था रामू जाट की ढाणी। रामू जाट की ढाणी यह प्राचीन नाम था इसका, प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम था गंगानगर का प्राचीन नाम रामू जाट की ढाणी, और यहीं से रामनगर या गंगानगर। देखिएगा, बात करते हैं अब 1910 में जब गंग नहर बनाई गई, गंग नहर बनाई गई महाराजा गंगा सिंह द्वारा खुदाई की गई एक नहर की, जिसको गंग नहर कहते हैं। बात करते हैं उसी के साथ में 1927 की। 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने इस नगर का नाम रखा श्री गंगानगर, और महाराजा गंगा सिंह के द्वारा ही स्थापित किया गया। और महाराजा गंगा सिंह ने इस नगर का नाम श्री गंगा नगर रखा। महाराजा गंगा सिंह ने इस नगर का नाम क्या रखा? श्री गंगा नगर रखा 1927 में। आगे देखिए दोस्तों, प्राचीन नाम रामू जाट की ढाणी गंग ने यहां पर बनाई गई महाराजा गंगा सिंह द्वारा। देखिए अब गंगा नगर को और किस किस नाम से जानते हैं, और किस किस के लिए प्रसिद्ध है गंगा नगर को। राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है राजस्थान का अन्न का कटोरा कहलाता है, तो राजस्थान का इसको पंजाब भी कहते हैं। राजस्थान का पंजाब कहलाता है। राजस्थान का अन्न का कटोरा, उसी के साथ में राजस्थान का पंजाब भी श्री गंगानगर कहलाता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि राजस्थान का अन्न का कटोरा किस जिले को कहा जाता है, तो श्री गंगा
श्रीगंगानगर को कहते हैं, राजस्थान का पंजाब किस जिले को कहते हैं, तो श्रीगंगानगर जिले को कहते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, इसी के अंदर है, आगे बात करते हैं तो राजस्थान का अन्न का कटोरा कहेंगे तो सीधी सी बात है राजस्थान में सर्वाधिक अन्न यही इसी जिले में उत्पादित होगा, पैदा होगा। यहां पर देखिएगा इस श्रीगंगानगर में, यहां पर इस जिले में, इस जिले में कौन से जिले में, श्रीगंगानगर में इस जिले में सर्वाधिक राजस्थान में गेहूं उत्पादित होते हैं। राजस्थान के इस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है। आगे बात करते हैं, देखिए दोस्तों और क्या है यहां पर है, राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन श्रीगंगानगर जिले से होता है। तो देखिए सर्वाधिक आंधियां भी इसी जिले में चलती है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां भी राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां भी यही चलती है, राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां भी यही चलती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां किस जिले में चलती है, श्रीगंगानगर जिले में चलती है। राजस्थान में सर्वाधिक आंधियां कहां चलती है, श्रीगंगानगर जिले में चलती है। देखिए दोस्तों राजस्थान में सर्वाधिक नहरों से सिंचाई करने वाला जिला भी यही है, राजस्थान में नहरों से सिंचाई करने वाला जिला श्रीगंगानगर है। राजस्थान में भाखड़ा नांगल बांध का सर्वाधिक, भाखड़ा नांगल बांध से सिंचाई करने वाला राजस्थान का सबसे ज्यादा सिंचाई करने वाला जिला कौन सा है, श्रीगंगानगर भाखड़ा नांगल से सिंचाई करने वाला, भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला, सिंचाई करने वाला राजस्थान का जिला है। भाखड़ा नांगल बांध से सर्वाधिक सिंचाई करने वाला राजस्थान का जिला कौन सा है, श्रीगंगानगर जिला है। देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं और यहाँ पर क्या है, राजस्थान का सर्वप्रथम राजस्थान का आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, निजी आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय यहाँ स्थापित किया गया है। राजस्थान का निजी आयुर्वेद विश्व विद्यालय, राजस्थान का निजी आयुर्वेद विश्वविद्यालय यही स्थापित है, राजस्थान का निजी आयुर्वेद विश्वविद्यालय यही स्थापित है श्रीगंगानगर जिले में। देखिए अब बात करते हैं, यहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है जोहड़, ठीक है, राजस्थान का बुड्ढा जोहड़ के नाम से है राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा, जिसमें सावन के महीने में मेला लगता है। दोस्तों राजस्थान का सबसे बड़ा जैन मंदिर कहाँ है, तो बेहतर जिला है जालौर में स्थित है। उसी प्रकार राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कहाँ है, तो
श्री गंगानगर जिला मुंडा धफड़ जोहड़ श्री गंगानगर मुंडा धफड़ श्री गंगानगर यहां पर है राजस्थान का यहां पर राजस्थान का सबसे बड़ा गुरु द्वारा स्थित है स्थित है। मेला लगता है इसमें दोस्तों, इसमें मेला लगता है श्रावण मास में। श्रावण मास में लगता है मेला, श्रावण मास में लगता है। कब लगता है? श्रावण मास में यहाँ पर मेला लगता है। बुड्ढा जोहड़ है श्री गंगानगर जिला, यहाँ राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा स्थित है। देखिए दोस्तों, आगे बात करते हैं। सूरतगढ़ थर्मल पावर है केंद्र, राजस्थान का पहला थर्मल पावर स्टेशन सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन है राजस्थान का पहला पावर थर्मल पावर स्टेशन है, थर्मल पावर स्टेशन स्थापित किया गया। सूरतगढ़ कृषि पार्क भी है एक, सूरतगढ़ कृषि फार्म कनाडा की सहायता से स्थापित किया गया है। देखिए दोस्तों, गंगानगर जिला राजस्थान का सबसे उत्तरी जिला है, तो यहाँ राजस्थान का कोणा गांव सबसे अंतिम बिंदु, उत्तरी अंतिम बिंदु कोणा गांव है। राजस्थान का सबसे अंतिम उत्तरी बिंदु राजस्थान का सबसे अंतिम है राजस्थान का सबसे अंतिम उत्तरी बिंदु। दोस्तों, जब राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, राजस्थान का स्थिति पढ़ेंगे, राजस्थान का विस्तार पढ़ेंगे, ठीक है, वहां पर बात करेंगे बहुत अच्छी तरीके से। अभी जिला दर्शन पढ़ रहे हैं, राजस्थान का अंतिम उत्तरी बिंदु कोणा गांव, पाकिस्तान का सबसे उत्तरी बिंदु कोणा गांव श्री गंगानगर में स्थित है। और एक और चीज है, हिंदू मल कोट है। भारत पाकिस्तान सीमा यहां से प्रारंभ होती है, भारत पाकिस्तान सीमा का प्रारंभ यहीं से होता है। भारत पाकिस्तान सीमा का प्रारंभ कहां से होता है? राजस्थान में हिंदू मल कोट श्री गंगानगर जिला। दोस्तों, बड़ा मोस्ट है, राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव कहां स्थित है, किस जिले में स्थित है? राजस्थान का उत्तरी बिंदु कोणा गांव किस जिले में स्थित है? तो श्री गंगानगर जिले में स्थित है।
दोस्तों देखिए, आज अपन ने ये जिला पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया है राजस्थान का श्रीगंगानगर जिला। जो जितने भी फैक्ट्स थे आज अपन ने कंप्लीट कर लिया है। और अगला जिला इसका हनुमानगढ़ जिला। आगे की वीडियो पढ़ेंगे दोस्तों। इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, लाइक बहुत कम आते हैं वीडियोस पर, और सब्सक्राइब बढ़ाइएगा जो इसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वह शेयर करिए जो अधिक से अधिक स्टूडेंट्स इस वीडियो से जुड़ सके। धन्यवाद दोस्तों। सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन घंटी।